ओपन कर लेते हैं ना जो लास्ट हमने कोड लिखा था। बैजेट अच्छा ये कैनवास है मेरा। इस कैनवास पे मैंने क्या लगाया हुआ है, एक इवेंट लिसनर लगाया हुआ है ठीक है। और वो इवेंट लिसनर क्या करता है, कहाँ लगाया मैंने इवेंट लिसनर, ये रहा, माउस डाउन पे लगाया हुआ है, माउस अप पे लगाया हुआ है और माउस मूव पे लगाया हुआ है ठीक है। तो माउस मूव का जो इवेंट है ना उसको मैं कंसोल करवा लेता हूँ यहाँ पे। कंसोल हुआ है, हाँ ये कंसोल हुआ है, मूव का इवेंट जो है कंसोल हुआ है ठीक है। बाकियों को मैं बंद कर देता हूँ। अब इसके अंदर जो इवेंट कंसोल होता है जब इसको ओपन भी कर लेते हैं, कॉपी पाथ ठीक है। ये इंस्पेक्ट एलिमेंट पे गया मैं, कंसोल पे गया। अब जब यहाँ पे क्लिक होता है तो ये देखो मूव का मुझे ना इवेंट मिलना शुरू हो जाता है। अब जब मूव का इवेंट मुझे मिलता है तो ये साथ में बताता भी है कि ये इवेंट कौन सा मिला है मुझे, माउस इवेंट मिला है ठीक है। पॉइंटर इवेंट नहीं था, माउस इवेंट था ये। अच्छा तो अब इस माउस इवेंट के अंदर ये जो इतने सारे एट्रीब्यूट्स मुझे मिल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं, इसमें से कौन सी चीज़ क्या है ये मुझे कैसे पता चलेगा ठीक है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं होनी चाहिए, होगी कहीं ना कहीं, और वो जगह कौन सी है, MDN ठीक है। और भी लोगों ने जावास्क्रिप्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वहाँ पर इसके बारे में आपको मिल जाएगा। तो माउस इवेंट लिख देता हूँ जाके मैं ठीक है। माउस इवेंट जैसे लिखा देखो MDN का सबसे पहला लिंक आ गया। अब यहाँ पे जाके ना आपको देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो हो रही होती हैं ठीक है। अब देखो इसको पढ़ो, अगर शुरू से पढ़ो, द माउस इवेंट इंटरफेस रिप्रेजेंट द इवेंट दैट अकर ड्यू टू यूजर इंटरेक्टिंग विद पॉइंटिंग डिवाइस सच एज माउस। कॉमन इवेंट्स यूजिंग दिस इंटरफेस इंक्लूड क्लिक, डबल क्लिक, माउस अप, माउस डाउन, माउस मूव वगैरह वगैरह ठीक है। माउस इवेंट डिराइव्स फ्रॉम UI इवेंट ठीक है। अब UI इवेंट भी एक चीज़ होती है, उसके अंदर लाया करता है माउस इवेंट ठीक है। UI इवेंट को अगर मैं नए टैब में खोल के देखूँ तो ये क्या कह रहा है, द UI इवेंट इंटरफेस रिप्रेजेंट सिंपल यूज़र इंटरफेस इवेंट्स। यूज़र इंटरफेस इवेंट में जो जो कुछ होता है ना वो इसके अंदर आता होता है। वेल अब इसको अलग से पढ़ना चाहो कि UI इवेंट्स में क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, UI इवेंट का क्या ताल्लुक है, तो वो तुम अलग से पढ़ सकते हो ठीक है। सेवरल मोर स्पेसिफिक इवेंट बेस्ड होता है। अच्छा तो होता क्या है, माउस इवेंट जो है वो लाए करता है UI इवेंट के अंदर, और UI इवेंट लाए करता है पूरे इवेंट के अंदर ठीक है। मतलब एक जो बिगर अम्ब्रेला है, सबसे बड़ा जो अम्ब्रेला है वो इवेंट्स हैं ठीक है। उस इवेंट के अंदर एक छोटा अम्ब्रेला है UI इवेंट, और उसके अंदर उससे छोटा अम्ब्रेला है माउस इवेंट ठीक है। इवेंट जाहिर है अलग अलग तरह के हैं, तो ये बता दिया उसने कि किस कैटेगरी में फॉल करता है ये। अच्छा भाई अब प्रॉपर्टीज़ देखो इसमें क्या क्या मिलती हैं ठीक है। जैसे क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई मिलता है ना, क्या ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द माउस पॉइंटर इन लोकल कोऑर्डिनेट्स ठीक है। अब लोकल कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, डॉम के अंदर जो उसका कोऑर्डिनेट है ना उसकी बात हो रही है ये ठीक है। डॉम का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, HTML ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट की बात हो रही है ना, तो और HTML जितनी स्क्रीन पे आपके HTML दिखता है ना वो एरिया क्या कहलाता है, लोकल एरिया, लोकल कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। अच्छा कंट्रोल की करके एक है, ये ट्रू रिटर्न करता है इफ़ द कंट्रोल की वाज डाउन व्हेन माउस इवेंट वाज फायर्ड, कि जब ये इवेंट हुआ ना माउस का, अगर कंट्रोल प्रेस करके मैंने किया है ना वो माउस का इवेंट, तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा, समझ लो। अब ये पूरी एक लंबी लिस्ट है, यहाँ पे पूरी लंबी लिस्ट है ठीक है। अच्छा अभी तो ये माउस इवेंट था ना सिर्फ, हम ये क्या खोला हुआ है हमने, माउस इवेंट खोला हुआ है। अच्छा अब माउस इवेंट के अंदर ना देखो और क्या क्या आ रहा है, ये मूव वगैरह के जितने भी होंगे ना, क्लिक में भी माउस इवेंट मिलता है, मूव में भी माउस इवेंट मिलता है। देखो मूवमेंट एक्स द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ माउस पॉइंटर रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द लास्ट माउस मूव इवेंट। आप माउस मूव का जब इवेंट कॉल होता है ठीक है, माउस मूव का जब इवेंट कॉल होता है
तो आपको क्या मिलता है, आपको एक अभी वाला मिलता है कि अभी माउस किधर आ चुका है और किधर से चला था वो भी मिलता है। तो ये कौन सा है कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, यानी मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब मूव किया माउस को, तो पॉइंट ए मुझे एक्स में मिलेगा और पॉइंट बी मुझे वाई में मिलेगा। और ये मिलेगा कब, हर एक पिक्सल के बाद। अगर माउस बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे तो शायद 4-5 पिक्सल, जैसे वो डब्बे डब्बे छोड़ के आ रहा था, तो इसीलिए आ रहा था कि जब ज़्यादा करते हैं तो इवेंट, वो एक फ्रीक्वेंसी है इवेंट की, उससे ज़्यादा स्पीड में वो इवेंट नहीं मिलेंगे आपको। तो कहाँ से माउस स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, ये एक्स और वाई आपका ही आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ऑफसेट क्या चीज़ है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द माउस पॉइंटर रिलेटिव टू द पोजिशन ऑफ द पैडिंग एज ऑफ द टारगेट। अब टारगेट क्या चीज़ है, वो चीज़ जिसके ऊपर इवेंट अगर हुआ है, वो एलिमेंट होता है ना जिस चीज़ के ऊपर इवेंट, वो टारगेट होता है, ठीक है, उसको हम टारगेट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह वो वाई है। अच्छा, माउस इवेंट पेज एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द माउस पॉइंटर रिलेटिव टू द होल डॉक्यूमेंट, ठीक है। रिलेटिव टू द होल डॉक्यूमेंट का मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट यहाँ से शुरू है ना, वहाँ से 0-0 होगा उसका, ठीक है। लोकल एरिया की बात नहीं हो रही है अभी, डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। तो इसको पढ़ते जाओगे पता चलता जाएगा। देखो, पूरी स्क्रीन में माउस किस जगह पे था, वो ये रहा स्क्रीन एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द माउस पॉइंटर इन ग्लोबल स्क्रीन, ग्लोबल का मतलब है कि ब्राउजर से भी बाहर पूरे स्क्रीन के ऊपर कहाँ पे क्लिक हुआ था, ठीक है। शिफ्ट की प्रेस था या नहीं था, ये आ गया। अच्छा, माउस इवेंट डॉट प्रेशर, द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड टू अ टच और अ टैबलेट डिवाइस, ठीक है। अब ये टच स्क्रीन में भी उसमें होगा जिसमें प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, अदरवाइज वो प्रेशर हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0-0 ही मिलेगा या 1 मिलेगा, डिफ़ॉल्ट अभी बता देगा ये कि डिफ़ॉल्ट क्या है, बहरहाल एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको मिलेगी। अच्छा, इनपुट सोर्स, अच्छा इसमें साथ में ना ये भी लगा हुआ है कुछ के नॉन स्टैंडर्ड है, ये सब ब्राउज़र में अभी सपोर्टेड नहीं है ये वाली चीज़। अच्छा भाई, और आगे आ जाते हैं। एक है वेब किट फोर्स, अमाउंट ऑफ द प्रेशर अप्लाइड व्हेन क्लिकिंग। अब ये वेब किट जो है ना, किसको कहते हैं, ये कहते हैं सफारी को, सफारी ब्राउज़र जो है ना उसको वेब किट कहते हैं। तो ये किस में, ये भी इस पर देखो डिबरी बनी हुई है छोटी सी, नॉन स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। ये भी सब पे नहीं चलेगा, वेब किट के ऊपर तो चलेगी, सफारी पर बाकियों को पता नहीं है। अच्छा, माउस इवेंट एक्स, एलियस ऑफ द माउस इवेंट क्लाइंट एक्स, जो क्लाइंट एक्स में चीज़ मिलती है वही इसमें भी मिलेगी आपको, दोनों एक ही है, एक ही वैल्यू दोनों में मिल रही होगी, ठीक है। अब कुछ कॉन्स्टेंट्स भी आपको मिलेंगे यहाँ पर माउस इवेंट में, वेब किट फोर्स एट माउस डाउन, वेब किट फोर्स हैज एट फोर्स माउस डाउन। अब जाहिर है जो प्रेशर का सेंसर होता है ना, आपको 0 से लेकर 1 तक की एक वैल्यू देता है। तो इस हार्डवेयर में या इस डिवाइस में आपको या इस ब्राउज़र में कितने प्रेशर को समझा जाता है कि क्लिक हुआ और कितने प्रेशर को समझा जाता है कि फोर्स क्लिक हुआ, ठीक है, वो सेटिंग से चेंज होता है ना, क्योंकि अंदर ऑप्शन होता है जिसमें, जैसे मैकबुक में होता है तो अंदर सेटिंग से चेंज होता है कि आप स्टिफ़ कर सकते हैं उसको, फोर्स टच को आप स्टिफ़ कर सकते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाने से फिर फोर्स होता है, उसको नरम भी कर सकते हैं, फिर ज़रा हल्का सा दबाने से भी फोर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपको मिलेगी कि कितने पे अगर है ना तो यूज़र ने फोर्स टच किया है अपने हिसाब से, तो उससे आप कंपैरिजन के लिए आपको ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीज़ें देख ली, यहाँ पे भी साइड में भी यहाँ पे बना हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि समझ में आ गया होगा कि कैसे देखा जाता है इसको। अब तो मैं ढूंढना है कि भाई ये कौन सी वाली किस चीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ से आप उसको आगे इजीली देख सकते हैं। अभी तो ये माउस इवेंट की बात है, लेकिन कोई भी दूसरा इवेंट हो ना उसमें भी इसी तरह काम करता है ये। हाँ, आ गया यार, बड़ा अच्छा बनाया तुमने अब्दुल, गुड। अच्छा, अब अगला हमने क्या पढ़ना है, हम कहाँ तक आ गए थे, माउस इवेंट तक हम आ गए थे, राइट। भाई नेक्स्ट क्लास में ना ये जो जिन लोगों ने नहीं भी बनाया ना वो भी बना के लाना, ताकि हम कुछ मार्केटिंग कर सकें, सही है। इंटर्नशिप लेनी है ना,
अगर नहीं करनी इंटर्नशिप, कोई जॉब वॉब नहीं करनी है, बस सीख के फिर जाके कहीं पर मजदूरी करनी है, वेब डेवलपर अगर बन के भी, वेब डेवलपमेंट सीख के भी जाके कहीं मजदूरी करनी है तो फिर सही है। अगर कोई जॉब वॉब लेने का मूड है तो यार कुछ कर लो। अच्छा, तो ये माउस इवेंट हमने सारा कवर कर लिया। अब फील्ड्स में क्या क्या इवेंट मिलते हैं वो इसमें आ गया, जो है ना ऑन चेंज जो इसमें कवर हो जाएगा वो। अच्छा, इनपुट की एक फील्ड होती है, इनपुट की फील्ड पे इसने देखो ऑन फोकस लगाया हुआ है, ठीक है। ऑन फोकस का मतलब ये है कि जब मैं किसी भी टेक्स्ट फील्ड पे जाके, अभी टेक्स्ट फील्ड कहीं पे है, ये रही, ये टेक्स्ट फील्ड पे जब मैं क्लिक कर देता हूँ ना, लिखने की जगह तैयार हो गई। अब मैं टाइप करूँगा तो यहाँ लिखाएगा, तो जब मैं टाइप कर रहा होता हूँ ना, तो जहाँ लिखने की जगह हुई हुई थी, जैसे ये मैं टाइप, तो इसका मतलब है ये इनपुट बॉक्स इस वक्त कहाँ पर है, ये फोकस में, ठीक है, ये फोकस हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, फोकस का अपोजिट होता है ब्लर। तो अब इसके फोकस होने पे मुझे कोई काम करवाना है ना, तो मैं वो करवा सकता हूँ। फोकस होने पे कोई भी काम करवाना हो सकता है, मुझे ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं यहाँ करवा सकता हूँ। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट पे कौन कौन से इवेंट मिल सकते हैं, ठीक है। चलो, फोकस, फोकस के हर एलिमेंट पे मिलेगा, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स पे तो चलो लिखने का बना हुआ आ रहा है तो फोकस में आ गया वो, और बाकी एलिमेंट्स, बटन, बटन क्या फोकस में आ सकता है, बटन पे क्या ऑन फोकस क्या इवेंट मिलना चाहिए, हवर अलग है इवेंट, फोकस अलग है, बटन पे फोकस नहीं हो सकता ना, ऐसा लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि बटन, अब कैसे देखूंगा मैं जाके, मैं लिखूंगा बटन और साथ में लिख दूंगा MDN या W3 स्कूल, तो वहाँ पे जब वो एलिमेंट की बात करेगा ना, तो एलिमेंट के साथ साथ उस एलिमेंट पे कौन कौन से इवेंट पॉसिबली हो सकते हैं उसकी भी बात करेगा, सही है। ये आ गया भाई, एट्रीब्यूट्स बताया कि ये एट्रीब्यूट्स लगते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना वो इवेंट्स की भी बात करेगा कि भाई इसमें क्या क्या इवेंट्स मिल सकते हैं आपको। एट्रीब्यूट में ही होगा शायद, ऑन करके ना, ऑटो कंप्लीट डिसेबल फॉर्म, नहीं ऑटो फोकस तो कुछ और है, वो पहले से ही फोकस में आ जाए। फॉर्म टारगेट, यार ये क्या बात कर दी इसने, तो जिक्र ही नहीं किया। बटन इवेंट्स लिख देता हूँ साथ में, ठीक है, बटन इवेंट्स लिख देता हूँ। अच्छा, W3 स्कूल में देखते हैं उन्होंने क्या लिस्ट बनाई है, ठीक है, तो लिस्ट आपको बाय द वे कहीं ना कहीं मिलेगी, बात ये है कुल मिला के। बटन 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 एट्रीब्यूट्स ही बता रहा है ये भी। डॉम रेफरेंस नहीं, बटन पे ऑन फोकस होता तो है, वो मैं बताता हूँ अभी, ये बटन पे ऑन फोकस में कैसे आता है बटन, वो मैं बता देता हूँ। प्रॉपर्टी नहीं भाई, लिस्ट कहीं पे भी नहीं बनाई। हम कोई ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ पे तमाम इवेंट्स जो एक बटन पे हो सकते हैं उन सब की लिस्ट मिल जाए, लिस्ट ऑफ ऑल इवेंट्स ऐसे कर लेते हैं। अब जावास्क्रिप्ट, इवेंट रेफरेंस करके एक डॉक्यूमेंट है। अच्छा, ये आ गया ना। अच्छा, ये तो वही वाला है जो हमने लास्ट देखा था, ये रहा फोकस। इवेंट फायर्ड ऑन एलिमेंट एंड विंडो। अच्छा, ये जो मैं लिस्ट ढूंढ रहा था ना, ये बटन पे नहीं मिलेगा मुझे, ये एलिमेंट पे मिलेगा कि एलिमेंट के ऊपर कौन कौन से इवेंट लग सकते हैं। देखो, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, ये असल में कैटेगरी इन्होंने इसीलिए ऐसे बनाई हुई है, अब मेरे समझ में आ गया। लास्ट में सोच रहा था इन्होंने ऐसे क्यों कैटेगरी बनाई है,
तो असल में इवेंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एलिमेंट का अलग नहीं है, बल्कि जितने भी एलिमेंट हैं उन पे एक इवेंट जो फिक्स है ना, वो उन्होंने इवेंट उन्होंने एलिमेंट के अंदर डाल दिया। ब्लर हर इवेंट हर उस पर मिलेगा, ठीक है, हर एलिमेंट पर मिलेगा, ठीक है। अब ब्लर जो है वो फोकस का जो है वो फोकस है, फोकस इन फोकस आउट, ये सारे जो है ना एलिमेंट वाले फोकस के अंदर है, वो सॉरी हाँ कुछ अभी भी बारह मेरे समझ में नहीं आया कि कुछ गड़बड़ ही है इसमें भी। अच्छा, इनपुट्स, इनपुट्स के ऊपर कौन कौन से मिलेंगे, वो एलिमेंट फायर्ड ऑन एचटीएमएल एलिमेंट और एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट। अब मैंने नए टैब में ये इनपुट एलिमेंट खोला तो ये मुझे स्क्रॉल करके किस पे लेकर आ गया, इनपुट वाले पे लेकर आ गया, ठीक है। इनपुट के ऊपर क्या क्या मिल रहा है मुझे, इनवैलिड मिल रहा है, सर्च मिल रहा है, सेलेक्शन चेंज मिल रहा है, सही है, ये मुझे इनपुट के ऊपर ये इवेंट्स मिल रहे हैं सारे। हम यहाँ से हम और देखते हैं मीडिया, मीडिया का मतलब है कि ऑडियो वगैरह ये चीज़ें इस पर। अच्छा, ये आ गया माउस, माउस इवेंट फायर्ड ऑन एलिमेंट, ये मैंने नए पे खोला, ये माउस के इवेंट सारे आ गए, ठीक है, ये किसी भी एलिमेंट पे मिलेंगे ये माउस के इवेंट। अच्छा, क्या किया है भाई, ऑक्स क्लिक, क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू नहीं, राइट क्लिक की बात हो रही है, डबल क्लिक, माउस डाउन, माउस एंटर, माउस लीव, माउस मूव, माउस आउट, माउस ओवर, माउस अप, वेबकिट, माउस फोर्स, जो अभी हमने वहाँ पढ़ा भी था, टच के इवेंट्स ये सारे, ठीक है, टच कैंसिल, टच्ड, टच एंड, टच स्टार्ट, टच मूव, यानी आपने टच किया और उसको आप मूव करते हैं तो उस पर इवेंट आपको इस तरह वाला मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो बटन पे फोकस जब होता है तो बटन कैसा शो करता है, ये मैं इस ऐप में आता हूँ जो शहजाद ने बनाई है साथ में, और मैं टैब का बटन दबाता हूँ ना, तो यार नोट करो क्या हुआ, फोकस में आ गया, एक और टैब का बटन दबाऊँगा तो ये कौन फोकस में आ गया, बटन। अब मैं स्पेस दबाऊँगा ना तो ये सेलेक्ट क्या होगा, प्रेस हो जाएगा, स्पेस दबाने पर ये सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं इस पे चलता हूँ ना, स्पेस दबाने पे ये देखो खोल दिया इसमें, ये स्पेस दबाया मैंने, जूम इन बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे आके मैं स्पेस दबाऊँगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब मैंने ये रेड सेलेक्ट किया और रेड सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस्केप किया तो क्या हुआ, रिवर्ट हो गया वो, दोबारा रेड सेलेक्ट किया, अब मैंने बाहर क्लिक किया, बाहर क्लिक करता या मैं टैब दबाता तो ये कौन फोकस में आ गया, अंदर भी एक बटन था वो फोकस में आ गया, ये बटन देखो सारे एक एक करके फोकस में आ रहे हैं, सही है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट गया, अब मेरा जो कर्सर है वो मेरा जो फोकस है वो सेलेक्ट के बटन पे, मैं स्पेस दबाऊंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, देखो सेलेक्ट हो गया ये। तो बटन जब फोकस में आता है तो कुछ इस तरह से होता है, तो जितने भी एलिमेंट है कोई भी फोकस में आ सकता है, जो भी इंटरेक्टिव एलिमेंट है, इंटरेक्टिव एलिमेंट का मतलब बटन है, कोई ऐसी चीज़ है जो जिस पे क्लिक श्लिक होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने ऑन फोकस देख लिया, ऑन फोकस के अलावा क्या किया था, ऑन ब्लर वगैरह था वो भी हमने एक लिस्ट देख ली। अच्छा, वैसे आपको कभी कोई काम करना हो ना, आप वैसे भी उसको अलग से भी गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो, मतलब जैसे कोई भी छोटा सा काम बताओ, हाँ कीबोर्ड इवेंट, क्या आप चाह रहे हैं कि यार मैं क्या करूँ, कंट्रोल प्लस सी करूँ ना तो मेरे पास कुछ फंक्शन चलाऊँ मैं उसके अगेंस्ट, ठीक है, कंट्रोल सी पे कोई इवेंट चलाना चाह रहा हूँ, होता है ना वेबसाइट्स के अंदर, या शॉर्टकट होता है कुछ वेबसाइट में, जैसे उस दिन ये पूछ रहा था कि भाई यूट्यूब में जाके ना जैसे स्लैश का बटन दबाते हैं तो सर्च बार में ऑटोमेटिक चला जाता है वो, तो अब ये कर लोगे ना खुद से, ठीक है, कीबोर्ड का इवेंट लगा दोगे तुम। अच्छा, कीबोर्ड का इवेंट किस पे लगाओगे, क्या लिखोगे नाम, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, और क्या कैसे ढूंढोगे वो नाम, क्या लिखोगे गूगल पे, कीबोर्ड इवेंट्स लिखोगे, ठीक है, आगे लिखते हैं कीबोर्ड इवेंट्स, देखा भाई तुम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था हमने वो, अभी देखोगे तो याद आ जाएगा। अच्छा, गूगल पे लिखा,
कीबोर्ड इवेंट्स, ठीक है, ये आ गया MDM, देख रहे हो कीबोर्ड इवेंट डॉट की, रिटर्न ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द की, इसमें की अप की डाउन भी होता है, ये रहा की कोड, की कोड में आपको जो है ना उस कैरेक्टर का की कोड मिल जाता है, ASCII कोड जो भी प्रेस किया है बंदा ने, ठीक है। की आइडेंटिफायर, की आइडेंटिफायर में आपको क्या मिल जाता है, दिस प्रॉपर्टी इज नॉन स्टैंडर्ड एंड हैज बीन डेप्रिसिएटेड, अच्छा अच्छा डॉट की इसकी जगह आया है, की आइडेंटिफायर की जगह डॉट की आ गया, सिर्फ डॉट की, ठीक है। डॉट की आपको क्या दे देता है, अरे कहाँ गया, गायब हो गया, अच्छा कीबोर्ड का जो सीक्वेंस है वो कैसे है, पहले की डाउन होता है, सही है, उसके बाद की प्रेस चलता है और उसके बाद की अप चलता है, तीन इवेंट होते हैं। माउस में भी इसी तरह होता है, माउस डाउन, माउस अप और फिर क्लिक चलता है, की में अलग है, कीबोर्ड में अलग है, की पे पहले की डाउन होता है, फिर की प्रेस होता है, फिर की अप होता है, इस तरह सीक्वेंस में चलता है। तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर और साथ में इसका नाम लगा दूंगा, ये वाला कहाँ गया वो, हाँ उसके बाद ना ये डॉट की वाला ये मैं नाम लगा दूंगा, ये मुझे मिल जाएगा, ये रहा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसकी कोई एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे बनी भी मिल जाए, ये एग्जांपल देखो इसने बना के यहाँ पे लगाई भी, ठीक है। ये देखो टैक्स एरिया डॉट एड इवेंट लिस्नर की डाउन, ठीक है। अब ये टैक्स एरिया पे फोकस होने के बाद कोई की डाउन होगा ना फिर ही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। अगर मैं ये डॉक्यूमेंट पे लगा दूँ तो फिर आपका फोकस कहीं भी हो कुछ भी हो आपको वो मिलता रहेगा, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर और की डाउन या की अप या की प्रेस उस पर, और इवेंट जब आपका आएगा तो इवेंट के अंदर इवेंट डॉट की के नाम से आपको वो बटन जो प्रेस हुआ है वो मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट टैक्स एरिया भी लिख सकते हैं, सही होगी, लेकिन सिर्फ टैक्स एरिया भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट लिखना ऑप्शनल होता है। जैसे हम जो करते हैं ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो यहाँ तो डॉक्यूमेंट हम लाजमी है ना लिखना, इसी तरह जो हम अलर्ट लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, अलर्ट का भी पूरा जो है ना वो है डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट, सॉरी यहाँ विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है, तो वो ऑप्शनल होता है लिखना। जैसे ये जो टैक्स एरिया इसने, अच्छा ये टैक्स एरिया भी इसने उठाया हुआ है कहीं से ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करके उठाया हुआ है, ठीक है, ये टैक्स एरिया इसने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करके ही तो उठाया हुआ है ना, तो ये तो बहरहाल इसका वेरिएबल है, ये कुछ भी नाम लिखते, लेकिन जैसे ये है ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, इससे इसका जो पूरा लिखने का तरीका है वो क्या है, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, मैं वो मिस स्पेल कर रहा था, अच्छा वो बता दिया इसने, थैंक यू यार। हाँ ये मैं बात तुम्हारी समझा नहीं, इसमें क्या करना चाह रहे हो तुम, जैसे देखो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, एड इवेंट लिसनर की डाउन है इसमें, अब की डाउन में जो ये ई मिलता है ना ये इवेंट है, अब इस इवेंट पे डॉट की करके लगाओगे कि भाई कौन सा बटन प्रेस हुआ है, तो वही काम तो कर रहे हैं इसमें, मुझे असल में कोई एग्जांपल ऐसी बताओ ना कि जहाँ पे तुम्हें इस इवेंट पे पैरामीटर देने की ज़रूरत पड़ रही है, ये मैं समझ नहीं पा रहा सर। जैसे एक कलर पिक किया मैंने ग्लोबल, हाँ उसको वो जो फंक्शन है जिसमें हमने पूरा किया है उसके अंदर लाना है, इवेंट के साथ कॉमा देके अगर कलर पिकर लिखे, हाँ वेरिएबल जो, तो अंदर तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है, देखो अब ये तो चलता है ना इवेंट लिसनर, इसके अंदर कोड लिखने का जगह आ गई तुम्हारे पास, अब तुमने तीन या चार लाइन का कोड लिखा हुआ है, ठीक है, अब तुम्हारा जो फंक्शन होगा ना लाइन ड्रॉ करने वाला, सही है, गौर से सुनना इसको समझना, और अगर सवाल हो तो फिर रिटर्न सवाल पूछना। देखो अब तुम्हारा जो है ना, तुम ये कह रहे हो कि
कि एक तुम्हारे पास वेरिएबल है ग्लोबल जिसमें कलर सेलेक्ट हो जाता है। नंबर एक तरीका तो ये है कि वो ग्लोबल वेरिएबल यहाँ एक्सेसिबल है, उसको तुम्हें एज अ पैरामीटर लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सेसिबल है। लेकिन अगर फिर भी तुम चाह रहे हो कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग के रूल्स को फॉलो करो और एज अ पैरामीटर लो, ठीक है, फंक्शन की प्योरिटी को कायम रखो, इस तरह की कोई भी अगर चीज़ चाह रहे हो, तो फिर उसमें तुम करोगे ये कि एक तुम फंक्शन बनाओगे ड्रॉ लाइन, एक फंक्शन बनाओगे ड्रॉ लाइन, उसमें तुम पहला पैरामीटर लोगे इवेंट, इवेंट से बल्कि इवेंट भी क्यों लोगे तुम, स्टार्ट और एंड लोगे तुम, ठीक है, पिक्सल स्टार्ट और एंड ये लोगे तुम, ले लिया ये, ठीक है। दूसरा लोगे तुम CTX, ठीक है, या चलो CTX फंक्शन के अंदर गेट कर लेंगे, वो मसला है, चलो CTX लेने की ज़रूरत नहीं है, इमेजिन कर लो ऐसे, ले भी सकते हो। तीसरा पैरामीटर तुमने ले लिया कलर, कलर का वेरिएबल, ठीक है। अब जब ये इवेंट एक दफ़ा फायर होता है ना, इवेंट जब एक दफ़ा फायर होता है, तो इसके अंदर तुमने वो फंक्शन एक दफ़ा कॉल करा दिया, और जब फंक्शन तुमने कॉल कराया तो ये जो ई मिल रहा है ना इवेंट, ये उसको पहले पैरामीटर में दे दिया, दूसरे में तुमने क्या दे दिया, वो जो कलर ऊपर सेलेक्ट था वो दे दिया, तीसरे में तुमने कैनवास की आईडी उठा के दे दी है, कैनवास का पूरा एलिमेंट, तो इस तरह भी कर सकते हो, समझ रहे हो बात ये। तो लेकिन अब डिपेंड करता है कि क्या फंक्शनल प्रोग्रामिंग करना है, मतलब रीज़न क्या है ऐसा करने का, ये भी मैटर करता है। अगर तो कोड को क्लीन रखने की बात है, अगर तो कोड को क्लीन रखना चाहते हो, क्लीन रखने की बात है, तो देखना पड़ेगा कि ये करने से शायद हो सकता है कोड ज़्यादा मैसअप हो जाए मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी तो हमने कोड लिखा है ना 3-4 लाइनों का लिखा है, जो रियल कोड्स होते हैं वो तो थोड़े लंबे होते हैं, ज़ाहिर है फोटोपिया की अगर ऐप बना रहे हो पूरी, तो उसमें तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा लंबा चौड़ा कोड होगा, तो उसमें तो शायद फिर ये फंक्शन के बगैर काम भी ना हो। उसका रीज़न ये है कि उसमें साइज़ भी है, उसमें काफ़ी कुछ है, तो लाइन को ड्रॉ करने का एक फंक्शन मेरे पास अलग होगा, बिल्कुल बिल्कुल अलग होगा, उसका इवेंट लिसनर वसनर किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो जो चीज़ें सेलेक्ट कर रहा है ना बंदा, उसका पूरा एक ऑब्जेक्ट होगा टॉप पे, जो जो चीज़ें बंदा सेलेक्ट कर रहा है उसका पूरा ऑब्जेक्ट होगा टॉप पे, कि भाई कलर सेलेक्ट कर लिया उसने, साइज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, शेप सेलेक्ट कर लिया कि बनाना, और लाइन ड्रॉ करना चाह रहा है, पेंसिल लेना चाह रहा है, क्या लेना चाह रहा है, ठीक है। और जब अच्छा जाहिर है जब पूरा ही मैंने इनपुट का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो जब वो जो जो इनपुट सेलेक्ट करेगा ना जब, तो वो ऑब्जेक्ट में ना सिर्फ जाके सेव होगा, बल्कि हर उसके क्लिक के ऊपर नीचे भी लॉजिक चेंज हो जाएगी कि अच्छा यार अब इसने पेंसिल सेलेक्ट कर लिया है, पेंसिल सेलेक्ट करने पे क्या होना चाहिए, जो मेरा कैनवस है उस पर ऑन मूव रजिस्टर कर दूंगा मैं, कि अब जब इधर आए तो ऑन मूव मिले। लेकिन अगर उसने क्या कर दिया, अगर उसने सेलेक्ट कर लिया कोई दूसरी क्रॉप वगैरह, तो शायद मैं माउस मूव का इवेंट कुछ केसेस में हटा भी दूँ कि चले ही ना हो, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर मैं माउस, जैसे रेक्टेंगल भी बनाएगा तो माउस मूव चाहिए उसमें, कि क्लिक करेगा जहाँ से शुरू हुआ वो मिल लूँगा, फिर जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ पे वो लूँगा, समझ लो। तो डिपेंड करता है कि क्या करना चाह रहे हैं और क्या क्या होगा इसमें, सिर्फ पेंसिल होगी या साथ में लाइन भी होगा, साथ में रेक्टेंगल भी होगी, और क्या क्या होगा, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर वो होगा। अच्छा, फिर जैसे रेक्टेंगल जब हम बनाते हैं ना, तो रेक्टेंगल जब बन रहा होता है कैनवस के ऊपर, तो ज़रा गौर से अगर तुम सोचोगे ना, जब क्लिक करते हैं और खींचता हूँ मैं उसको, ड्रैग करता हूँ, तो ड्रैग करते हुए वो रेक्टेंगल मुझे दिखता है कि वो बन रहा है, ड्रॉ हो, मतलब ऐसा लगता है मेरे हाथ में अभी छोड़ूंगा तो ड्रॉ होगा, लेकिन असल में तो वो ड्रॉ हो चुका होता है, जब ही तो दिख रहा है वो। अच्छा, और ना सिर्फ वो ड्रॉ हो चुका होता है, बल्कि जब मैं उसको पकड़ के रखता हूँ ना जब तक, और जब तक माउस हिलाता हूँ, तो वो मेरे साथ साथ ड्राइंग चेंज भी होती है, तो वो एक्चुअली माउस मूव का इवेंट चल रहा होता है, और वो हर मूव पे ना वो पुराने रेक्टेंगल को गायब कर रहा होता है और नया उस पर ड्रॉ कर रहा होता है। आपको लगता है मैं माउस ऐसे, जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ ना यहाँ पर, जैसे अगर मैंने ये फोटोपिया ओपन कर लिया और मैंने कहा भाई न्यू प्रोजेक्ट, और मैंने कहा ओके गाइस, मैं अब यहाँ पे शेप्स कहाँ पर हैं, ये देख रहे हो, ये जो रेक्टेंगल है ये मुझे लग रहा है कि अभी ड्रॉ नहीं हुआ ये, लेकिन जब मैंने इसको यहाँ से शुरू किया ना और ये इधर लाके रोका मैंने, तो ये एक्चुअली कैनवस पे ड्रॉ हो चुका है, जब भी तो मुझे दिख रहा है ये,
लेकिन जब मैं इसको मूव करूंगा ना वापस, तो देखो पुराना वाला इसने रिमूव किया है और नया ड्रॉ किया है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि जब मैंने रेक्टेंगल शुरू किया था, जब मैंने कंट्रोल जेड किया, मैंने जब मैंने रेक्टेंगल पर जैसे ही क्लिक किया ना, तो उसने मेरे ओरिजिनल कैनवास की एक कॉपी बना ली होगी, मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ओरिजिनल कैनवास की एक कॉपी बना ली होगी उसने। अब जब मैं उसको यहाँ लाता हूँ ना खींच के, तो माउस इवेंट मिलता है उसको कि माउस अब कहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो माउस इवेंट अब कहाँ पहुँच गया है, माउस उसके ऊपर ये क्या करता होगा, पुराना जो कैनवास की कॉपी बनाई है ना उसको इंटैक्ट रखा हुआ है, उसको अभी चेंज नहीं कर रहा, कॉपी बना ली है ना एक कि रेक्टेंगल शुरू करने से पहले कैसा था, उस कॉपी को उठाता होगा, ये रेक्टेंगल उस पर ड्रॉ करता होगा, स्क्रीन पे आपको दिखा देता होगा, ठीक है। माउस को मैं मजीद मूव करता हूँ, जो अभी वाला कैनवास उसको गायब किया, कॉपी जो ली थी दोबारा उठाया, नया रेक्टेंगल ड्रॉ किया, दिखा दिया आपको, लेकिन वो पीछे इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है आपको फील नहीं होता, कुछ इसी तरह का हो रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे ही मैं इसको छोड़ देता हूँ तो क्या करता होगा, ये जो कॉपी इसने बनाई थी एक मेरे ओरिजिनल कैनवास की, वो कॉपी ख़त्म कर देता होगा, ठीक है। या फोटोपिया के केस में उस कॉपी को सेव रखता होगा एक एरे में, कि मैं कंट्रोल जेड करूँ तो वो पुरानी कॉपी को ला के यहाँ रख दे, फिर और कंट्रोल जेड करूँ तो उससे पीछे वाली कॉपी ला के यहाँ रख दे, तो एक एरे वो भी बन रहा है जो मेरे कंट्रोल जेड के काम आएगा। एंड ज़ाहिर है वो डिफ़ॉल्ट थोड़ी है, वो तो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया होगा ना कि कंट्रोल जेड जब प्रेस करें तो ऐसे, मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया तो ये हो गया। ये कंट्रोल जेड कैसे हुआ, की के इवेंट से, की प्रेस लगा हुआ है इसको, डॉक्यूमेंट के ऊपर की प्रेस लगा हुआ है, कि डॉक्यूमेंट में, पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी क्लिक हुआ हुआ है ना मेरा, कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा तो इससे पहले वाली स्टेट में चला जाएगा। अब वो कितनी स्टेट सेव करता है वो इन पर डिपेंडेंट है, हो सकता है 10-12 स्टेट सेव करता हो पुरानी, उससे ज़्यादा पुरानी ना रखता हो सकता है कि पूरा ही रखता हो, जितना मैं ऑपरेशन करता हूँ वो सब उसमें जाता रहता हो सकता है, क्योंकि फोटोशॉप तो पूरा रखता है आखिर तक, बिल्कुल फोटोशॉप जब आप ओपन करते हैं और आप जितना मर्जी सुबह से शाम तक आप लगे रहें ना, आप जब कंट्रोल जेड करेंगे तो वो पूरा आखिर तक लेके जाता है, जब तक आप सेव करके डॉक्यूमेंट पूरा बंद ना कर देना जब तक वो उसको ख़त्म नहीं करता। तो ये कहाँ तक सेव करते हैं ये इनका मैटर है। हाँ, क्या पूछ रहे थे, वो दिख रहा है ना भाई, देखो गौर से समझो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये एक क्लिक किया, अभी मैंने मूव नहीं किया इसको, अभी मैंने मूव नहीं किया, अब क्या हुआ, ये मेरा जो ओरिजिनल कैनवास था ना, जो जाहिर है पहले भी इस पर कुछ ड्रॉ हुआ हुआ होगा ना, बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं होगा, मेरा बिल्कुल ब्लैंक है ना, लेकिन जाहिर है चलो ये एक ड्रॉ कर दिया मैंने, एक ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे दूसरा ड्रॉ करना है, तो ये मैंने क्लिक किया है यहाँ पे, अभी मैंने मूव नहीं किया इसको, तो ये ओरिजिनल की एक कॉपी बना ली होगी इसने मोस्ट प्रॉब्ली। अब जैसे ही मैंने मूव किया ना, तो इसने क्या किया, इसने अभी जो मेरे पास कैनवास था उस पर ड्रॉ कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया, जब भी तो दिख रहा है ना मुझे, वरना दिखता थोड़ी है भाई, जब तक तुम ड्रॉ नहीं करोगे दिखाने का कोई तरीका है। पंद्रह बीस बना दे रहा है वो, इसी वजह से 15-20 बना रहा है कि जाहिर है जब एक दफ़ा मूव करते हो इवेंट एक बार चलता है, तो आपको करना ये होगा कि ओरिजिनल कैनवास की कॉपी बनानी होगी, जैसे ही क्लिक हो ना डाउन हो, जैसे ही ओरिजिनल कैनवास की कॉपी बनानी पड़ेगी, और जितनी दफ़ा मूव हो ना, जब तक क्लिक छोड़ नहीं देता बंदा, जब तक उसको जितनी दफ़ा मूव हो ओरिजिनल कैनवास उठाना है, उस पर ड्रॉ करना है, उसको डिस्प्ले कराना है, ये करना होगा मोस्ट प्रॉब्ली। हो सकता है इसके लिए कोई दूसरा तरीका भी अख्तियार करते हो, वो देखना पड़ेगा कि अभी लोग क्या करते हैं इसके लिए, ठीक है, लेकिन कुछ मोस्ट प्रॉब्ली कुछ सिमिलर कर रहे होंगे इस तरह का। अच्छा, जैसे ही मैंने छोड़ा इसको, तो ये परमानेंट ड्रॉ हो गया है, तो समझ रहे हो, पॉइंट मेरा बताने का ये था कि हर केस में ऐसा नहीं होगा जो हम पेंसिल में कर रहे हैं, वो भी केस टू केस वेरी करेगा। तो यहाँ पर जब मैंने क्लिक किया ना लेसो पे, या मैंने क्लिक किया सिलेक्शन पे, और जब मैं उसके बाद आगे यहाँ क्लिक करता हूँ, तो वहाँ पे माउस मूव तो नहीं काम कर रहा ना, माउस मूव तो आ ही नहीं रहा इसमें, ठीक है, इसमें दूसरी चीज़ें आ रही हैं, जाहिर है मैथमेटिकल ऑपरेशन है अंदर के, सिलेक्शन कैसे होगी क्या होगा वो फिर लंबी एक कहानी है। तो ये हमने देख लिया क्या वाला, अच्छा ये ऑन फोकस को लगा के देखने की तो ज़रूरत नहीं है, वो तो हमने पहले भी ये किया हुआ ही है ऑन फोकस, अभी मैंने ऑन फोकस बल्कि इसके कोड पे चला के भी दिखाया था। अच्छा, अब उसके बाद है रीडिंग फील्ड्स,
कि किसी भी टेक्स्ट बॉक्स से डेटा को रीड कैसे करना है, ये हम कई दफ़ा कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी के जरिए भी डॉट वैल्यू लगाते हैं, डेटा आ जाता है हमारे पास, और क्वेरी सेलेक्टर करके भी डॉट वैल्यू लगाते हैं आ जाता है। ये हमने बहुत शुरू में ही सीख लिया था, इस बुक में ये अब आया है लेकिन हमने बहुत पहले सीख लिया था। ठीक है, तो असल में इन्होंने क्या किया हुआ है, एक इनपुट बनाया और इनपुट बना के ना उसके ऑन सबमिट पर क्या किया हुआ है इसने, एक फंक्शन चलाया हुआ है। ठीक है, और उस फंक्शन पर जाहिर है इसकी वैल्यू गेट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं नीचे इन्होंने यही किया हुआ है। ठीक है, देखो इसने क्या किया हुआ है कि भाई एक चेक एड्रेस करके उसमें क्या उठाता है, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी करके ना वैल्यू उठाता है उसकी। तो ये हम बहुत पहले सीख चुके हैं, अब इस बुक में ये जो चैप्टर है इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी एक तरीका है, दूसरा क्वेरी सेलेक्टर जो है वो ज़्यादा आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो दोनों सही हैं। लेकिन अच्छा, इसने ये भी बताया हुआ है कि गेट एलिमेंट बाई आई डी जो है ना वो केस सेंसिटिव है, इसका डी स्मॉल है, अगर आपने कैपिटल लिख दिया तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, केस सेंसिटिव होती है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसने इस तरह की कुछ बातें और भी इसने की हुई हैं यहाँ पर, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसा वो नहीं है, मसला नहीं है। ये सेटिंग फील्ड्स के किसी भी फील्ड में वैल्यू को सेट करवाना, ये भी हम कई दफ़ा कर चुके हैं। ये इनपुट आउटपुट वाला जो हमने पढ़ा था ना शुरू में, कि यूज़र से इनपुट लेना कैसे और स्क्रीन पर उसको आउटपुट दिखाना कैसे। तो कोई अगर H1 है उसके अंदर मुझे वैल्यू सेव करवानी है, दिखानी है यूज़र को, तो क्या करते हैं उसके लिए हम, उसको हम पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी या क्वेरी सेलेक्टर से उस पूरे एलिमेंट को उठाते हैं, और एलिमेंट उठा के और उसमें दो तरीके हैं वैल्यू दिखाने के, नंबर एक इनर HTML और नंबर दो इनर टेक्स्ट। ठीक है, तो वही अब सारी बातें यहाँ पर जिक्र हो रही हैं, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, देखो इसने यहाँ पे क्या बताया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, सिटी के नाम से कोई है इसके पास एलिमेंट, उसमें डॉट वैल्यू ये सेट करवाता है सिटी नेम। अच्छा, ये डॉट वैल्यू क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में तो इनर HTML नहीं होता ना, उसमें तो वैल्यू होती है। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं मैट्रिक्स वाले में। ठीक है, मैट्रिक्स वाले में हम ये वैल्यू भी सेट करवा चुके हैं, हम वो रिजल्ट का जो था 9 डब्बे वो हम इनपुट बॉक्स बनाते थे, लेकिन उसको हम क्या रखते थे, उसको हम रखते थे रीड ओनली, और फिर बाद में उसकी वैल्यू को सेट करवा देते थे। यार मच्छर हो रहे हैं यहाँ पर थोड़े, है ना। अच्छा, तो ये हमने भाई वैल्यू को सेट करवाना सीख लिया यहाँ पर। हाँ, फैन चला दूँ, अच्छा रीडिंग वैल्यू और सेटिंग वैल्यू ये हो गया। अच्छा, रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ टेक्स्ट। अच्छा, ऊपर के दो चैप्टर में ना इसने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठाना और टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू रखवाना सिखाया है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठाना और टेक्स्ट बॉक्स में ही वैल्यू रखवाना सिखाया है। ये जो सेटिंग वैल्यू है ना, इसमें इसने H1 के अंदर वैल्यू रखवाना नहीं बताया, इसने इनपुट बॉक्स में वैल्यू रखवाना बताया है। ठीक है, डॉट वैल्यू करके इसने बोला भाई डॉट वैल्यू करके आप रखवा दो। ये समझ रहे हो ना फर्क इसका, ये वाली चीज़ की हमने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है वैसे बाय द वे, कि इनपुट बॉक्स में ही वापस वैल्यू रखवाना, ये हमने काम ज़्यादा किया नहीं है अभी तक, लेकिन कोई इतना वो भी नहीं है, ये कर लेंगे आप लोग, पता है मुझे। ठीक है, इन हमने तो शुरू दिन से ही, जो पहली क्लास हुई थी हमारी, हमने उसी दिन से ही कर लिया था कि इनपुट और आउटपुट लेना सीख लिया था, और उसके बाद जितने भी आपने असाइनमेंट बनाए सब में आप यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसको आउटपुट दिखाते हैं, तो ये नॉट अ बिग डील। अच्छा, अब ये बता रहा है कि पैराग्राफ में से वैल्यू रीड कैसे करेंगे और उसमें वापस वैल्यू रखवाएंगे कैसे, ये बता रहा है अभी। अच्छा, कौन मुझे ये बताएगा कि पैराग्राफ की अगर मुझे वैल्यू को रीड करना है तो मैं कैसे करूँगा, इसको इस बुक के अलावा अलग से ऐसे ही बताओ। एक पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मुझे रीड करना है, कैसे करूँगा, उसको मुझे उठा के एक वेरिएबल में लाना है, स्लाइस क्यों करूँगा। अच्छा चलो, ये बताओ एक पैराग्राफ है उसमें मुझे वेरिएबल की वैल्यू को रखवाना है, कैसे रखवाऊँगा। हाँ बिल्कुल सही, आईडी से पहले मैं उस पैराग्राफ को उठाऊंगा,
जैसे माई पैराग्राफ अगर उसका नाम है, मैं कहूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और माई पैराग्राफ की आईडी लगा के अंदर उसको उठा लूँगा। फिर उसमें जो वैल्यू रखवानी है वो कैसे रखवाऊँगा, डॉट इनर एचटीएमएल करूँगा और उसमें वेरिएबल दे दूँगा तो वैल्यू अंदर चली गई। सेम इसी तरीके से रीड भी करूँगा मैं, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ ना कि भाई पैराग्राफ डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू समथिंग, तो वो इनर एचटीएमएल में चला जाता है। लेकिन जस्ट अगर मुझे रीड करनी है तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर माई पैराग्राफ डॉट इनर एचटीएमएल। तो इनर एचटीएमएल लिखूँगा तो मुझे एचटीएमएल की फॉर्म में मिलेगा। अगर उस पैराग्राफ में कुछ स्पैन विस्पैन होंगे ना तो वो एचटीएमएल की फॉर्म में मुझे देगा वो। और अगर मैं इनर टेक्स्ट लिखूँगा तो मुझे वो टेक्स्ट की फॉर्म में देगा। समझ रहे हो, दोनों ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है मैं एक पैराग्राफ की वैल्यू को रीड करना चाहता हूँ एचटीएमएल की फॉर्म में, और हो सकता है मैं उसको रीड करना चाहता हूँ एज अ टेक्स्ट। तो जब मैं, तो अब मैं इसके लिए कोड क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं कोड लिख के भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मुझे वेरिएबल है टेक्स्ट के नाम से, अब इस वेरिएबल में मुझे क्या करना है, पैराग्राफ की वैल्यू को उठा के लाना है। तो मैं क्या लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट मैंने कहा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लेट टेक्स्ट इक्वल्स टू, टेक्स्ट मेरा वेरिएबल है, टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर माई पैराग्राफ और माई पैराग्राफ का डॉट इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल, ठीक है। इनर एचटीएमएल करूंगा तो मुझे एचटीएमएल की फॉर्म में देगा, इनर टेक्स्ट करूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे टेक्स्ट की फॉर्म में देगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इन्होंने कैसे बताया। कह रहे हैं योर वेबसाइट इनिशियली डिस्प्ले अ पिक्चर ऑफ अ लिटिल मैमल नोन एज द स्लो लॉरिस अलोंग विद सिंगल सेंटेंस, ठीक है। स्लो लॉरिस आर ग्रुप ऑफ सेवरल स्पीशीज। अब ये कुछ इसने इसके बारे में लिखा है कि स्लो लॉरिस क्या होते हैं। व्हेन यूजर क्लिक ऑन द लिंक ऑन द पैराग्राफ, पैराग्राफ शुड एक्सपेंड। होता है ना कुछ जगहों पर लिखा हुआ था सी मोर, ठीक है। अब सी मोर करने पे ये चाहते हैं कि उस पैराग्राफ में जो पहले से चीज़ रखी हुई है ना वो हट जाए और उसकी जगह एक बड़ा मजमून लिखा हुआ दे। तो अब ये काम कैसे होगा, अब आ जाते हैं हम कोड पे। बुक को तो छोड़ देते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है उसको हम छोड़ देते हैं, फिलहाल हम कोड में आ जाते हैं और आप लोग मुझे बताएंगे कि ये काम कैसे होगा। अच्छा भाई, अब मैंने क्या लगा दिया, एक अंदर ये पैराग्राफ बना दिया, इसकी मैंने एक आईडी दे दी। क्या आईडी दे दी इसको मैंने, मैंने कहा माई पैरा, सही है। इसमें शुरू में कुछ भी नहीं है। अब मुझे एक ऐसा, जाहिर है डेटाबेस से आएगा ना, जो भी डेटा आएगा मेरे पास वो डेटाबेस से आएगा। अभी जैसे फेसबुक की पोस्ट अगर आप आती है आपके पास तो शुरू में क्या लिखा हुआ आता है उसमें, शुरू में तो कुछ भी नहीं होता ना, पेज लोड होता है वो ब्लैंक होता है, कुछ सेकंड के बाद वो पूरी पोस्ट को लोड करता है डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। अगर इंटरनेट स्पीड तेज है तो शायद बहुत जल्दी कर ले, सम टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगा देता है वो, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट स्पीड इस पैराग्राफ में इंटरनेट से कुछ आके, डेटाबेस से कुछ आके इसमें सेव होना है। अच्छा, डेटाबेस से भाई जनाब आ गया है टेक्स्ट बड़ा सारा, लेट टेक्स्ट फ्रॉम डीबी इक्वल्स टू, और एक बहुत लंबा सारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। वो लंबा टेक्स्ट जो है ना मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने यहीं से कॉपी कर लिया। यार ये दो लाइनों में कैसे होगा, अल्ट जेड, क्या बात है, थैंक यू।
अच्छा मेरे पास डेटाबेस से ना ये टेक्स्ट आ गया, अब मुझे पैराग्राफ के अंदर दो से तीन लाइनें दिखानी है, ज्यादा नहीं दिखाना मुझे। अब मुझे ये बताओ मैं क्या ऐसा स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखूं कि शुरू के ना 200 कैरेक्टर, 200 बनी 100 कैरेक्टर, 100 कैरेक्टर वहां पे डिस्प्ले हो जाए, उसके आगे लिखा हुआ जाए सी मोर। अब नहीं ये आए तो पता नहीं कितने आए, तो 5000 भी आ जाएंगे मेरे पास, लेकिन जितने भी आए मैंने शुरू के 100 कैरेक्टर दिखाने हैं। ये 100 कैरेक्टर तकरीबन तीन लाइन बनेगी इसकी। अब मुझे शुरू के 100 कैरेक्टर इसमें डिस्प्ले कराने हैं यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर। अब जल्दी से बता दूँ मैं क्या लिखूँ ऐसा, पहले तो इसके शुरू के 100 कैरेक्टर मुझे अलग करना है, कैसे करूँगा? स्लाइस से करूँगा बिल्कुल, ठीक है। मैंने कहा लेट शॉर्ट पैरा इक्वल्स टू, ठीक है, टेक्स फ्रॉम डी बी जो मेरा ओरिजिनल है। अच्छा उसके बाद में मेरे पास सब स्ट्रिंग का भी ऑप्शन है, जो सजेशन में आ रहा था सब स्ट्रिंग, उसके अलावा स्लाइस का भी ऑप्शन है, दोनों एक ही बात है। तो मैंने जीरो से लेके 100 तक का ना सब स्ट्रिंग उठा लिया, या स्लाइस, स्लाइस में भी यही लिखूंगा मैं, एक ही बात है, स्लाइस और सब स्ट्रिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मेरे पास शॉर्ट पैरा ही आ गया। अब मैंने क्या करना है, ये शॉर्ट पैरा यहाँ पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले करा देना है शुरू में, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं, डॉक्यूमेंट डॉट, बताओ ना, ये शॉर्ट पैरा मैंने 100 कैरेक्टर अलग कर लिया ना शुरू किया, अब ये मैंने वहां पे पैराग्राफ में डिस्प्ले करवा देना है, कैसे करवाऊ? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट से मैं इसको पहले जो है सेलेक्ट कर लूंगा और मैं बोलूंगा इनर एचटीएमएल इक्वल टू शॉर्ट पैरा, ये शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर चला गया। चला के देखते हैं इसको कि आया ऐसा ही हो रहा है क्या, ये हो गया 100 कैरेक्टर जो थे ना वो आ गए। अच्छा जब इस तरह का शॉर्ट पैराग्राफ आता है ना तो उसके साथ एक आपने चीज़ नोट की होगी, तीन डॉट लगा पाता है आखिर में कि इसके आगे भी कुछ है, तो वो हम तीन डॉट यहाँ लगा सकते हैं क्या, कैसे लगाएंगे तीन डॉट में? मैंने ये बैक टिक में कर दिया पूरे को, और बैक टिक करने के बाद इसको जाहिर है फिर मैं टेम्पलेट कर दूंगा, इसको मैंने टेम्पलेट कर क्योंकि वेरिएबल है ये, ठीक है यार ये कुछ हाँ वो रैप हो गया ना, कुछ मेक सेंस नहीं कर रहा थोड़ा, ये थोड़ा मेक सेंस नहीं हो रहा वो। अच्छा इसको मैं नीचे ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ, इसको मैं हाथ से ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने हाथ से उसको थोड़ा ब्रेक कर लिया, तो ये मेरा टेक्स्ट हो गया जो डेटाबेस से आया है। ये मैंने शॉर्ट पैराग्राफ निकाल लिया, 100 कैरेक्टर निकाल लिया उसमें से। अब मैंने क्या करना है, इसको पैराग्राफ में डिस्प्ले कराना है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसके आगे तीन डॉट लगा दिया यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि ये एक टेम्पलेट बना है, शुरू में इसमें वो टेक्स्ट लिखा हुआ जाएगा 100 कैरेक्टर वाला, उसके बाद तीन डॉट लगा हुआ जाएगा, सही है, ये तीन डॉट लिखा हुआ है। सही है बिल्कुल, सही है ना, 100 कैरेक्टर हो गए ये। अब अगला काम मुझे क्या करना है? अच्छा इतना सबको समझ आया ना क्या हुआ, ये कोई ऐसी नई चीज़ तो नहीं की है मैंने, वो हम हमेशा से करते हुए आ रहे हैं। ये मेरे पास एक बड़ा टेक्स्ट आया था डेटाबेस से, मैंने उसमें से 100 कैरेक्टर शुरू के निकाले और उस 100 कैरेक्टर को मैंने पैराग्राफ में डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा डिस्प्ले करवाते हुए थोड़ा उसको मॉडिफाई, अच्छा मैं ये भी कर सकता था कि यहीं पर प्लस लगा देता, मैं यहीं पर प्लस लगा के तीन डॉट लगा देता, ये भी कर सकता था मैं, लेकिन मैं टेम्पलेट के जरिए ज़्यादा मुनासिब समझ रहा हूँ इस पॉइंट पर, तो ये मैंने ऐसे करवा दिया। अब मुझे इसके आगे एक बटन भी दिखाना है सी मोर, कैसे दिखाऊं बटन को मैं, है नहीं ना, शुरू में तो पैराग्राफ खाली है ना,
जब ये टैक्स जाएगा तो ही सी मोर भी जाना चाहिए उसके साथ सर। हाँ कौन सा टैग नहीं लगेगा? एंकर टैग लिंक का क्या बोल लो? एंकर टैग या बटन वगैरह भी लगा, बटन बटन लगेगा यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली। चलो बटन लगा के देखते हैं। अच्छा बटन पहले इधर यहाँ बना लेता हूँ मैं, और बटन बना के ना उसको वहाँ पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने बटन बना लिया एक सीम और कट किया मैंने यहाँ, और ये तीन डॉट के बाद मैंने ये बटन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब ये बटन डिस्प्ले क्या हो जाएगा? इनर HTML लिखा हुआ है इसलिए ये बटन एज अ बटन डिस्प्ले होगा। अदरवाइज अगर ये इनर HTML नहीं होता तो उसको टेक्स्ट के तौर पे ये डिस्प्ले करवा देता। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने तो यहाँ सी मोर का बटन आ गया। अच्छा लेकिन फेसबुक में ऐसा तो नहीं होता, ऐसा बटन तो नहीं आता फेसबुक में? CSS से मैं इसका ये बटन का ये हटा दूँ, अगर एंकर टैग लगा दो। चलो एंकर टैग लगा के देख लेते हैं। एंकर टैग लगा दिए लेकिन इसमें तो अच्छा HRF डाल के देख लेते हैं। हैश ऐसा होता है कुछ, लेकिन इसको क्लिक करने से तो पेज रिफ्रेश हो रहा है। इसको क्लिक करने पे एक फंक्शन चलवा दो। अच्छा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे क्या कर दो? सही है, सी मोर के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया है। ठीक है, अब सी मोर के नाम से फंक्शन मुझे बनाना भी पड़ेगा जो कि मौजूद नहीं है। ठीक है, अब सी मोर में मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा तो, लेकिन मुझे वो कुछ चाहिए नहीं इसके अंदर। मैं ये बोलूँगा ये कर दो टेक्स्ट फ्रॉम DB। रिफ्रेश किया सी मोर किया फुल हो गया। अब मुझे नीचे सी लेस भी बनाना है। ऐसे कैसे बनाऊँ सी लेस? टैक्स फ्रॉम DB के बाद सी लेस एक बटन बनाना होगा मुझे ऑफकोर्स, क्योंकि जब फुल टैक्स शो रहा हो तो मेरे पास सी लेस का पहले तो बटन आना चाहिए। अच्छा इसको भी मैं नीचे वाली लाइन में ले जाता हूँ, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस डाल के इसको बोलता हूँ सी लेस। अच्छा ऑन क्लिक पे सी लेस का एक फंक्शन बना दिया। अब सी लेस का फंक्शन भी बना हुआ नहीं है, बनाना पड़ेगा मुझे। अब सी लेस में क्या करूँ मैं? शॉर्ट पैरा को डिस्प्ले करा दूँ दोबारा? अच्छा शॉर्ट पैरा को डिस्प्ले करा दूँ, और शॉर्ट पैरा को के साथ साथ सी मोर का बटन भी करा दूँ, यानी एग्जैक्टली जो यहाँ लिखा हुआ है वही डिस्प्ले करा दूँ ना मैं। ठीक है, यही वाली लाइन उठा दूँ, इसी को कॉपी किया मैंने और सी लेस में कर दिया। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने। ठीक है, सी मोर सी लेस, सी मोर सी लेस, ये हो गया मेरा मसला। अच्छा ये जो शुरू में मैं करवाता हूँ ये तो कोड डुप्लीकेट हो गया ना मेरा। देखो इसको कोड को मैं सेलेक्ट करूँगा ना पूरे को, ये देखो नीचे भी डुप्लीकेट है कोड ये। तो अगर मैं इसको हटा के इसकी जगह पे अगर सी लेस को एक दफ़ा कॉल करवा दूँ तो भी मेरा असला हल हो जाएगा। सही है, सी लेस एक दफ़ा खुद से कॉल हो जाए, जैसे ही बने ना खुद से कॉल हो जाए तो मेरा मसला हल हो जाएगा। इसको भी मैं सी लेस के अंदर कर देता हूँ। ये जो शॉर्ट पैरा को मैं कैलकुलेट मारता हूँ ये भी सी लेस के अंदर करूँगा फिर मैं। ठीक है, अब क्या हुआ मेरे पास डिस्टिंक्टली दो फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, अच्छा सी
अब सी मोर नहीं करूँगा मैं, डिस्प्ले मोर डिस्प्ले लेस, असल में फंक्शन का नाम अभी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैंने कहा भाई इसका नाम होगा डिस्प्ले मोर और डिस्प्ले लेस। कंट्रोल डी से किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबाओगे ना, तो जितने उसके वो हैं सिमिलर वो सब सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले मोर और डिस्प्ले लेस मैंने इसका नाम रखा है। अच्छा, डिस्प्ले लेस जब क्रिएट होता है फंक्शन, तो क्रिएट होने के फौरन बाद वो चल भी जाता है। अच्छा, डिस्प्ले लेस को मैं टॉप पे ले आता हूँ ऊपर, ठीक है। ये डिस्प्ले लेस का फंक्शन जब बनता है ना, तो फौरन चल भी जाता है एक दफ़ा, और डिस्प्ले मोर का फंक्शन खुद से नहीं चलता, जब तक मैं बटन नहीं दबाऊंगा जब तक नहीं चलेगा। अब इसके अंदर ना एक मसला है अभी भी, वो मसला पूछो क्या है, वो मसला ये है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे यूआरएल में आखिर में एक हैश लग के आ जाता है। अभी देखो हैश नहीं लगा हुआ है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना यहाँ, तो ये आखिर में हैश लग के आ जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब जैसे मैंने इसको ना अगर जूम इन किया हुआ है, थोड़ा सा जूम इन किया हुआ है मैंने इसको, ये मैंने जूम इन किया हुआ है, ठीक है, अभी बगैर हैश के, अभी यूआरएल में मेरे पास हैश नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो पहली दफ़ा जब मैं क्लिक करूँगा ना इसके ऊपर, तो क्या होगा, मेरा पेज मूव हो जाता है, मेरा पेज इस हैश पे चला जाता है, पेज चेंज हो रहा है पहली दफ़ा, मुझे ये नहीं करवाना है, ठीक है। इसका क्या तरीका है, इसका तरीका ये है कि मुझे इवेंट को प्रिवेंट करना पड़ेगा, इवेंट लिसनर मुझे उठाना पड़ेगा। मैंने कहा इवेंट, दोनों पे मैंने इवेंट लिया, इवेंट लिया, और इस इवेंट को लेने के बाद मैंने क्या किया, डिस्प्ले लेस जो था जाहिर है उसमें भी मुझे अब ये इवेंट मिलेगा, इसमें मैं लिखूँगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। अब इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करने से ना ये मसला मेरा हल हो जाएगा। क्या वो एरर आ गया, अच्छा भाई क्या कह रहा है ये, प्रिवेंट डिफॉल्ट cannot read properties of undefined 31। ये यहाँ पे डिस्प्ले कैसे हो रहा है ये देखना पड़ेगा, वहाँ से तो मैं सही कर रहा हूँ लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है शायद। मैं बॉडी में गया, स्क्रिप्ट में गया, अच्छा अच्छा ये पता है क्या हो रहा है, ये जो मैं एक दफ़ा ख़ुद से कॉल करवाता हूँ ना इसको, उसमें तो ज़ाहिर है इवेंट मिल रहा ही नहीं है भाई। ये डिस्प्ले लेस जब मैं क्रिएट करता हूँ ना, तो एक दफ़ा मैं इसको हाथ से चलवाता हूँ ख़ुद से, तो जब मैं ख़ुद से चलवाता हूँ तो इवेंट मिलता ही नहीं है, इवेंट अनडिफाइंड मिलता है। तो मैं यहाँ पर एक इफ़ लगा देता हूँ कि भाई इफ़ अगर जो है ना इवेंट है, इफ़ इवेंट है अगर, तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करो, अदरवाइज छोड़ दो उसको, सही है। क्योंकि मैं हाथ से जब चलवाता हूँ तो वो इवेंट उसको अनडिफाइन मिलता है, वो कह रहा है अनडिफाइन पे मैं प्रिवेंट डिफॉल्ट कैसे करूँ, इसलिए वो एरर दे रहा है, सही है। ये सेट हो गया, मैंने कहा भाई अगर इवेंट हो ना अगर, तो जब भी उस पर डिफॉल्ट चलाओ, वरना डिफॉल्ट चलाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा सही है। अब ये सी मोर किया मैंने, और सी मोर के क्लिक पर वो हैश वगैरह आखिर में नहीं आया कोई भी, ठीक है। सी मोर सी लेस, सी मोर सी लेस, ठीक है, आखिर में कोई हैश वगैरह कुछ भी नहीं आया, पेज ज़रा सा भी मेरा मूव नहीं कर रहा है। ये सब लोगों को समझ में आ गया, रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ, कि पैराग्राफ को रीड करे और उसको सेट करे बंदा। रीड करना तो खैर आप लोगों को आता ही है, लेकिन सेट करने का हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, उसमें आईडी दो और इनर एचटीएमएल करके जो रखवाना है रखवा दो,
ठीक है, और टेक्स्ट को जब गेट करना है वहाँ से तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी और इनर एच टी एम एल, इनर एच टी एम एल में क्या आ जाएगा, एच टी एम एल की फॉर्म में आ जाएगा आपके पास जो भी कुछ होगा उसमें। अच्छा करते हैं छुट्टी, इतनी भी क्या जरूरी है। मैनिपुलेटिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट, ठीक है, इमेज को कैसे मैनिपुलेट करना है, इमेज में मैनिपुलेट क्या हो सकता है, भला उसका एसआरसी, एसआरसी चेंज करने का प्रोसेस, हाँ ठीक है, एसआरसी आप लोग चेंज कर चुके हैं पहले ही, एक इमेज का एसआरसी चेंज करना आप सब लोगों को आता है, वेदर ऐप में आप सब लोगों ने ये काम किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, योर वेब पेज डिस्प्ले ब्लॉब फिश, ब्लॉब फिश कोई होता होगा एनिमल, फैसिनेटिंग एनिमल बट सो अगली, सम ऑफ यू यूजर गो यक, तो ये ब्लॉब फिश कोई एनिमल है, अगली होता है थोड़ा ये इसके बकौल, तो इसने बोला ना यार कि आप क्या करो इस पर ऑन क्लिक लगा दो, इमेज पे ऑन क्लिक हम लगा सकते हैं, ये हम देख चुके हैं पहले, इमेज पे किसी भी एलिमेंट पे हम ऑन क्लिक लगा सकते हैं, ऑन क्लिक लगाने पे उस इमेज को इनविजिबल करना है, कैसे करूँगा मैं, ऑन क्लिक पे उसका एसआरसी नल करवा दूंगा, उससे भी गायब हो जाएगी, ऑन क्लिक करके उसके एसआरसी में किसी ऐसी इमेज की फ़ोटो डाल दूंगा जो ब्लैंक है, वाइट है, उससे भी वो ब्लैंक हो जाएगी, ठीक है, और एसआरसी करके मैं डिस्प्ले नन का उस पर वो भी लगा सकता हूँ सीएसएस, ठीक है, स्टाइल ऐड कर सकता हूँ डिस्प्ले नन का, तो इन्होंने जो है वो क्या किया हुआ है, एक डॉट हिडन की पहले से क्लास बना के रखी हुई है और वो क्लास उसमें एज अ एट्रीब्यूट लगा देते हैं, ठीक है, ये सब आप लोग कर चुके हैं पहले ही, किसी एलिमेंट को हाइड करना शो करना ये किया हुआ है ना आप लोगों ने, तो इस चैप्टर में ये जिक्र हुआ है, कोई अगर इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ दे, बल्कि इसका बना लेते हैं ना यार ये एग्जाम्पल जो इन्होंने यहाँ बना के दिखाई दी ना बुक में, हम एग्जैक्टली सेम एक वो बना लेते हैं, इमेज हाइट शो नाम रख देता हूं मैं इसको, अब इमेज हाइट शो में क्या कर दिया मैंने, एक आईएमजी लगा दिया, आईएमजी में मुझे एक इमेज चाहिए, ठीक है, अब वो इमेज मैं कहां से लाऊं, ये वाली इमेज उठा लेते हैं इसमें से ना, सही है, मैंने एक दूसरे प्रोजेक्ट में से एक इमेज उठा ली, तो मैंने कहा कि भाई स्लैश, सही है, एक इमेज उठा के मैंने यहाँ पे रख ली, अब ये इमेज को मैंने, इमेज पे क्लिक होती है कहीं पे तो इस इमेज को डिस्प्ले नन करवाना है मैंने, तो मैं मुझे ऑन क्लिक भी जाहिर है इस पर लगाना पड़ेगा, ऑन क्लिक पे हाइट शो या टॉगल हाइट भी बोल सकता हूँ मैं इसको, टॉगल का मतलब होता है कि जैसे अगर ऑन है तो ऑफ कर दे, ऑफ है तो ऑन कर दे, ठीक है, टॉगल हाइट ऐसे मैंने बोल दिया। अच्छा, टॉगल हाइट पे ना जब मैं क्या करूँगा इसको, इवेंट लिखूंगा, जब मैं जैसे ऑन क्लिक पे ये फंक्शन जो मैं चलाता हूँ इस पर मुझे ऑन क्लिक का इवेंट भी मिलेगा, अब इस इवेंट के जरिए मैं उसको गेट करूंगा, वैसे तो मुझे पता है इसको मैं एक आईडी देके भी करवा सकता हूँ, आईडी से भी गेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस इवेंट के टारगेट में भी ये एलिमेंट मिलेगा जिस पे क्लिक हुआ है, तो मैं उस टारगेट पे बोलूँगा कि इसको हाइड मारो, सही है, ये करके देखते हैं, उन्होंने तो वैसे आईडी से ही करवाया हुआ है बुक में, देखते हैं बुक में कैसे, हेलो क्या हुआ इसको, इन्होंने क्लास नेम ऐड किया हुआ है इसमें और आईडी से ही करवाया हुआ है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी करके करवाया हुआ, तो हम ऐसे तो कई दफा कर चुके हैं, ये नहीं करते हम, दूसरा वाला करते हैं। अब मैंने आके स्क्रिप्ट लिखा है यहाँ पे, स्क्रिप्ट में मुझे टॉगल हाइट शो बनाना है, फंक्शन टॉगल हाइट शो, और पैराम में मुझे क्या मिलेगा,
इवेंट मिलेगा, ठीक है। इवेंट को शॉर्ट में ई भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन इस जगह पे पूरा इवेंट लिखना होगा, लाइन नंबर 11 में जो है यहाँ पे पूरा इवेंट लिखना होगा, वरना ये सही मिलेगा नहीं। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इवेंट डॉट टारगेट को डिस्प्ले करवाया मैंने, जो पहले ही सजेशन दे देता है भाई। इवेंट डॉट टारगेट को मैंने कॉन्सोल करवा दिया, तो इमेज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये फंक्शन जब चलेगा तो उसमें इवेंट डॉट टारगेट में जो भी चीज़ मिल रही होगी वो स्क्रीन पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ये क्या क्या बोला था मैंने, इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं हम। ओह ये बहुत बड़े साइज में हो गई, छोटा कर देते हैं इसको। अच्छा काफ़ी छोटा हो गया, 200, चलो 600 कर देते, सही है। अब मैंने क्या कहा कि इमेज पे जब क्लिक हो तो क्या प्रिंट हुआ मेरे पास, इवेंट डॉट टारगेट प्रिंट हुआ। इवेंट डॉट टारगेट में देखो क्या मिला, वो पूरा इमेज का एलिमेंट मिल गया मुझे एज इट इज, ठीक है, इमेज का एलिमेंट मिल गया पूरा मुझे। अब इस इमेज के एलिमेंट के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, जो जो चीज़ें मैं गेट एलिमेंट आईडी करने के बाद करता ना, वो सब चीज़ें इस पर भी कर सकता हूँ। जो जो चीज़ें गेट एलिमेंट बाय आईडी करने से जो होता है ना, वही चीज़ मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे भी मिल गई। अच्छा अब क्या करता मैं उसके ऊपर, डॉट स्टाइल लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी करके क्या कर सकता हूँ मैं, डॉट स्टाइल भी लगा सकता हूँ, बल्कि दोनों से करते हैं, ठीक है। इसको मैंने कट किया यहाँ से और मैंने कहा लेट आई एम जी ई एल, इमेज एलिमेंट है हमारा ये, सही है। मैंने एक वेरिएबल बना लिया कि इमेज एलिमेंट यहाँ पे लाके मैंने ये रख दिया, अलग कर लिया मैंने वेरिएबल के अंदर अलग कर लिया। अच्छा अब मैं इस पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इमेज एलिमेंट डॉट स्टाइल, ये लगा सकता हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है, डॉट। अच्छा स्टाइल के अंदर क्या क्या होता है मेरे पास, डिस्प्ले नन भी होता है, हिडन भी होता है, ठीक है। तो मैंने कहा डिस्प्ले इक्वल्स टू, अरे इक्वल्स क्यों नहीं आ रहा, नन, ठीक है, मैंने डिस्प्ले नन करवा दिया। अब यहाँ पे आके जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, क्लिक करते ही डिस्प्ले नन। अब यही काम मैं, ये जो मुझे इवेंट डॉट टारगेट से मैंने किया था ना, मैं वो क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा लेट, इसी लाइन को डुप्लीकेट कर देता हूँ, लेकिन अब की बार मैं इवेंट डॉट टारगेट से नहीं उठा रहा, बल्कि किससे उठा रहा हूँ, मैंने कहा भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और हैश लगा के माई इमेज, ठीक है, डॉट, अच्छा माई इमेज तक बस काफ़ी है ना इतना, हाँ ऊपर आईडी नहीं दी है मैंने, वो भी देनी पड़ेगी, आईडी इक्वल्स टू और माई इमेज, ठीक है। तो मैं ऐसे करके उठाऊं या ऐसे करके उठाऊं, बात एक ही है, लेकिन अगर मैं टारगेट करके उठाता ना, थोड़ा मुझे डायनेमिक इसमें कंट्रोल मिल जाता है। अगर मिसाल के तौर पर 10 इमेजेस हैं मेरे पास, तो जिस पे क्लिक हुआ है उसको हाइड करना है, तो फिर मुझे क्या चाहिए होगा, फिर मुझे टारगेट के अलावा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। लेकिन एक ही इमेज है, मुझे पता है इसी पे क्लिक होगा यही हाइड होगी, तो दूसरा वाला तरीका भी चल जाएगा, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ भी क्लिक किया, ये भी गायब हो गया, ठीक है। अब इमेजिन कर लो मेरे पास क्या है, 4-5 इमेज है, मैंने कहा जिस पे क्लिक हो ना वो हाइड होना चाहिए, बाकी कोई सा भी हाइड नहीं होना चाहिए। मैंने रिफ्रेश किया, अब देखो होता क्या है, मैं क्लिक किसी पे भी करूँगा ना, गायब पहला वाला ही होगा। अरे ये क्या होगा, अच्छा ये वो गायब तो हो रहा है लेकिन फील नहीं हो रहा, वो 4 से 3 हो जा रहा है लेकिन वो फील नहीं हो रहा। देखो रिफ्रेश किया तो शुरू में 4 है, 1, 2, 3, 4, जब मैं क्लिक करूँगा ना तो उसके बाद ये 3 रह गए। असल में इमेजेस अलग अलग कहूँगी ना फिर सही पता चलेगा, इमेजेस अलग अलग मुझे चाहिए होंगी। पूरा इमेज का फोल्डर ले आता हूँ ना मैं, उससे इमेज का पूरा फोल्डर ले आता हूँ, ताकि चारों इमेज यहाँ पर रख दूँ मैं लाके। सही है, यहाँ पे ना चारों में अलग अलग लगा देता हूँ। मैंने कहा भाई 2, 3, 4, 4 इमेजेस अब अलग अलग हो गई ना, अब सही पता चलेगा।
जिस पे क्लिक हो वही गायब होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं क्लिक चौथे पे कर रहा हूँ ना, यहाँ पे गायब फिर भी पहला वाला हो रहा है, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये टारगेट वाला ही तरीका इख्तियार करना होगा कि जिस पे क्लिक हुआ है ना उसको हाइड करो, बाकियों को हाइड नहीं करो। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, रिफ्रेश किया, अब देखो इस कोफ्ते को करूँगा तो यही गायब होगा, इसको करूँगा तो यही वाला होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। अच्छा डिस्प्ले हाइड भी नहीं करता हूँ इसको, मैं वो कर देता हूँ हिडन, क्या है वो विजिबिलिटी हिडन। विजिबिलिटी हिडन में ये होता है कि वो जगह नहीं छोड़ता अपनी, वो जगह कैप्चर करके रखता है ना, ऐसा ही है ना। अब मैंने अगर इसको ऐसा गायब किया ना, ये जगह कैप्चर करके रखेगा, हाइट तो हो गया लेकिन जगह नहीं छोड़ता अपनी वो, देखो कैसा अच्छा सा लग रहा है। हाइड हो गया ना वो, सी एस एस के जरिए हाइड हो गया, उस पर सी एस एस लग गई है हिडन। ये वाला ज़्यादा सही है ना, हिडन वाला ज़्यादा अच्छा फील करवा रहा है, डिपेंड ऑन। हाँ आप अगर ये करना है कि दोबारा क्लिक करें तो वापस आ जाओ, फिर कैसे होगा। नहीं कहने का मकसद ये है कि वो अब तो गायब हो गया ना, तो क्या मुझे अभी भी क्लिक का इवेंट मिल रहा है उसके ऊपर? मेरा ख्याल है नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कंसोल करवा देते हैं ना इसको, अगर तो इवेंट मिल रहा है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर कोई और स्ट्रेटजी करनी होगी। अच्छा मैंने पहले वाले को हिडन मार दिया, ये मिला एलिमेंट मिला ना, अब सेकेंड क्लिक पर मिलता है क्या? नहीं मिलता, नहीं मिल रहा है, इस पर इवेंट नहीं मिल रहा। हाँ ये इसने अच्छी बात की कि हम क्लिक करते हुए ना इसकी ओपेसिटी जीरो कर दें, ओपेसिटी अगर इसकी हम जीरो करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर हम इसकी ओपेसिटी वापस भी ला सकते हैं। ये क्लिक का इवेंट मुझे अभी भी दे रहा है, क्या बात है यार आपकी, वेल डन। ठीक है, अच्छा देखो अब इस पे कैसे कंडीशनल होगा ना, टॉगल हाइट कंडीशनल है, टॉगल हाइट, तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर अगर क्या हो, इफ मैं चेक करूँगा पहले कि इफ ओपेक्सिटी इक्वल्स इक्वल्स क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, अगर ज़ीरो है ये तो क्या कर दो इसको, इसको जो है कर दो वन, और अगर वन अगर वन है तो उसको ज़ीरो कर दो, ये टॉगल हो गया। सही है, ऐसे इफ लगा दिया मैंने, अब क्या होगा, रिफ्रेश किया मैंने, क्लिक किया हाइट, क्लिक किया वापस शो, हाइट शो, हाइट शो। हाँ टर्नरी ऑपरेटर में भी ये हो जाएगा, लेकिन चलो टर्नरी में कर देते हैं। और बोलो ये टर्नरी ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क लगाया और ये पहला वाला आइटम उठा के पहले पे रख दिया। ठीक है, और ये दूसरा वाला आइटम उठा के दूसरे पे रख दिया। ठीक है, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर असल में यहाँ पे अगर ज़रूरत नहीं है उसकी ना, टर्नरी ऑपरेटर की काम तो वो कर रहा है लेकिन यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है। सही है, यहाँ पे इफ एल्स ही लगना चाहिए असूलन, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर इन लाइन तो काम हम कोई करवा नहीं रहे। ठीक है, इन लाइन अगर कोई करवाते तो फिर समझ में आता, तो इफ एल्स ही सही था यहाँ। बहरहाल ठीक है, दोनों ही ठीक है। चलो भाई फिर असाइनमेंट बताओ क्या दिया जाए तुम लोगों को। हैं, कौन सा कंप्लीट करेंगे? नहीं, एक तो वो ड्राइंग ऐप है ना, वो तो तुम लोग करोगे, इम्प्रूव करोगे और सब बना के लाओगे। आज का असाइनमेंट वो तो दिया हुआ है मैंने पहले से, वो तो आते ही दे दिया। आगे का चैप्टर देखते हैं, अब आगे के चैप्टर क्या हैं। अभी हम इसमें है ना, मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस। चलो वही वाला करके ले आना, सही है।
खुश है सर। हाँ यार वो तो मंडे को फिर मैसेज आ जाएगा ग्रुप में आके कि मंडे को क्लास है या नहीं है। सही है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चलो।